पंजाब दी पंथक तकरार दी हरियाणा दे सिख गलियारियां तक गूंज पहुंच चुकी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे साबका प्रधान जगदीश झिंडा दे वल्लों जथेदार कैनी हरप्रीत सिंह दे उत्ते गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। जगदीश झिंडा दे वल्लों इत्थों तक कह दिता गया है कि जथेदार कैनी हरप्रीत सिंह बीजेपी दे एजेंट ने। दुनिया जानती है कि कैनी हरप्रीत सिंह बीजेपी के हाथों के खेड रहे हैं, तो वड्डे इल्जाम जो ने साबका प्रधान जगदीश झिंडा के वलों लगाए गए हैं। उन्होंने इतों तक कह दिता है कि जथेदार ने अमित शाह के नाल दो घंटे बंद कमरे के मीटिंग की सी। अस्तीफा देने वाले जथेदार कैनी हरप्रीत सिंह के भावुक होने के उत्ते भी उन्होंने तंज कसिया। उन्होंने कहा कि कदे जथेदार भी कदे रोंदे होंगे ने, तो यह जो ने गल्लां कहीं गई ने जगदीश झिंडा जो कि हरियाणा के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान ने। उन्होंने इतों तक कह दिता है कि जथेदार तो वह सी जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह भी कोड़े लाने की सज़ा दी सी। कौम नूं इन्ना कमजोर जथेदार नहीं चाहिए, सानू वह जथेदार चाहिए जो सरकारां दे नाल भी टकरावे। तो वड्डे हमले जो ने किए गए ने गयानी हरप्रीत सिंह के उत्ते जगदीश झिंडा के वलों। दस दिए कि लगातार इन्हों दिन गयानी हरप्रीत सिंह सुरखियों के विच ने, क्योंकि उन्होंने वलों जो अकाली आगू सी साबका विरसा सिंह वलटोहा के उत्ते काफ़ी इल्जाम लगाए थे, जिस तो बाद उन्होंने अस्तीफा दे दिता सी। हालांकि अस्तीफा देने तो बाद जिवें उन्होंने अस्तीफा दिता, तो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार के वलों भी यह ऐलान कर दिता गया सी कि जेकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह का अस्तीफा श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वलों मंजूर किया जाता है तो वह भी अपना तुरंत अस्तीफा दे देंगे। पर तुहानू दस दिए कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सी हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिस दे विच उन्होंने अस्तीफा ना मंजूर कर दिया जाता है। फिलहाल तुहानू दस दिए कि हुण एक बार फिर तो उन्होंने अपना अहुदा जो है ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मुड़ तो संभाल लिया। पर इसी विचकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान जगदीश झिंडा के वलों उन्होंने वड्डा शब्दी हमला किया गया। जथेदार जो है मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आर्मी है, और वो डर के मारे जो उसने बयानबाजी की है, उसको पता था कि मेरी पोल खुल चुकी है, मैं बीजेपी का एक गुलाम बन चुका हूँ, बीजेपी के कहने से मैं काम करता हूँ, और मुझे अब जथेदार से छुट्टी करवा देगा ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो पहले ही अपना दाव खेल गया और पहले ही भी खुद कह दिया भी यदि हटाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाजपा का एजेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ, यदि भाजपा का एजेंट नहीं तो अमित शाह के साथ उसने दो घंटे बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? हमारी कमेटी को जो उसने वादा किया था हमारे साथ, उसको मोर क्यों नहीं काल तक पर लगाई? ऐसा ये सारी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, और इसी वजह से अकाली दल बादल उसको हटाना चाहता था, वो बांप चुका था भी मेरी जथेदारी जा रही है, और वो गेम खेल गया, उनसे पहले ही हटाने से पहले ही खुद ही इस्तीफा पेश कर दिया, और बाद में भावुक भाषण दे के ऊपर रो के। जथेदार कभी रोया करते हैं क्या? जथेदार तो वो थे जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को भी कोड़े लगा दिए थे और दरख्त से बांध कर कोड़े लगाए थे, वो जथेदार होते हैं क्या? जो जथेदार रो गया वो इतना कमजोर, हमें जथेदार चाहिए नहीं कौम का, हमें तो वो चाहिए जो सरकार से टकराया जाए, कोई सरकार हो।